देखते हैं डेंटल कैरेज के बारे में तो ये वीडियो सबसे खास होने वाली है अब तक जितने भी बने हैं क्योंकि खास होने वाली है क्योंकि ये जो वीडियो हम देख रहे देखने जा रहे हैं ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ता है और आप लोग रोज उसे महसूस भी करते हैं ठीक है तो उसके बारे में जानते हैं देखिए हम पढ़ेंगे डेंटल कैरेज के बारे में इतने हमारे मजबूत दांत होने के बावजूद भी ऐसे क्या मतलब क्या होता है कि ये हमारे दांत कुछ समय के बाद कुछ हमारी छोटी छोटी गलतियों के बाद ये क्या हो जाते हैं टूट जाते हैं गिर जाते हैं झड़ जाते हैं तो उसके बाद हमें खाना खाने में बहुत परेशानी होती है ठीक है तो इसी के बारे में हमें इस वीडियो में छोटी सी वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और जितना भी हो सक हो सकेगा उस उतना मैं आपको बताने की कोशिश जरूर करूँगा तो आर यू रेडी आई एम आलसू रेडी हे वी गो चलिए टूल्थ डीके पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें टूथ में जो नेमिंग अगर कभी करने को आ जाए तो इसको हम कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं देखिए साइड में आप एक ए, ए, इमेज देख रहे हैं टूथ का है ठीक है इसका स्ट्रक्चर इस अगर शायद आ जाएगा अब ये ना कहिएगा कि ये छोटा सा टॉपिक है इसमें से इस क्वेश्चन नहीं बनेंगे देखिए प्रीवियस ईयर का आप देखकर ज़्यादा अंदाज़ा ना लगाइए क्यों क्योंकि अगर देखिए पिछले साल था तो पिछले साल की बात है शायद उस टॉपिक में उस बार ये सिलेबस हटा हो टू थर्टी के वाला इस वाले में शायद आ जाए तो ऐसा मत सोचेगा कि पिछले बार ये पेपर में नहीं आया है तो इस बार भी नहीं आएगा जितना भी हमें सिलेबस में दिया गया है सभी से पढ़ना है उसके बाद जो पेपर में आएगा उसे करना है जो नहीं आएगा उसे नहीं करना ठीक है, है तो हमें तो पूरा पहले बात तो पढ़ना है उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा सब समझ में आई ठीक है उसके बाद देखते हैं टूथ क्या है इसमें चार मैं नाम लिखा हूँ आपको डायग्राम में दिख भी रहा है इमेज में सबसे ऊपर वाला क्या लिखा है एना फिर डेंटाइन पल्ब कैविटी गम तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो नेम दिया है आखिरकार क्यों दिया है इसका नाम दिया है तो ये क्या क्या करता है इसका काम क्या है ये क्या होते हैं ठीक है तो सबसे पहला क्या है सबसे पहला है एना मेल तो ये क्या होते हैं ये हमारे हड्डी से भी मजबूत होते हैं एनामेल जो हमारी दांत है दांत के ऊपर वाला जो दिख रहा है ना यही क्या है ये एनामेल है तो ये क्या होता है हमारी जो हड्डी है तो ये हड्डी से भी मजबूत होता है ठीक है तो इसे एनामेल को सबसे हार्डेस्ट पार्ट आपको ह्यूमन बॉडी बोला जाता है कि ये जितने भी मतलब ह्यूमन बॉडी पार्ट है मतलब ह्यूमन बॉडी का सबसे मजबूत आपको क्या समझ में आ रहा है हड्डी समझ में आ रहा है ना अब हड्डी से भी मजबूत क्या है तो एनामेल है सबसे ऊपर वाले दांत के ठीक है तो ये क्या है ये सबसे बिगेस्ट मतलब ये सबसे क्या है ज़्यादा कठोर है ठीक है इसका मतलब ये एनामेल जो है ये बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड है ठीक है हार्ड है कठोर है दोनों वही ठीक है हार्ड है या बोलो कठोर है ठीक है किससे ज्यादा हड्डी से बोन से बोन से भी ज्यादा कठोर है एनामेल ठीक है उसके बाद दूसरा क्या है डेंटाइन है जो हमारे इनामेल से और थोड़ा सा अगर इससे नीचे जाएंगे तो वहाँ पास क्या दिखेगा? डेंटाइन दिखेगा। डेंटाइन ठीक है तो ये क्या होता है ये हड्डी जितना मतलब जितना हड्डी होता है उसके बराबर होता है हमारी जो बोन दी है हड्डी दिया है इसके बराबर क्या होता है डेंटाइन होता है ठीक है तो डेंटाइन क्या होता है ये बोन के बराबर होता है मतलब जितना कठोर आपका बोन है उतना ही क्या है एनामेल है ठीक है इनामेल जितना जितना आपका बोन बोन है उतना क्या है डेंटाइन है इतना मतलब जितना वही समझ लीजिए ना मतलब जितना ज़्यादा हमारी हड्डी मजबूत है उतना ज़्यादा है डेंटाइन है लेकिन डेंटाइन से ज़्यादा क्या है डेंटाइन से ज़्यादा है एनामेल ठीक है अब दूसरा तीसरा क्या आता है ये पल्प कैविटी ये पल्प कैविटी क्या होते हैं पल्प कैविटी होते हैं इसमें ब्लड होते हैं ब्लड वेसल्स होते हैं और पहले क्या होता है ब्लड वेसल्स होते हैं नर्व्स होते हैं ठीक है नर्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं तो इसमें जो आ, पल्प कैविटी है इसमें क्या क्या है इसमें तो नर्व्स हैं एंड नर्व्स हैं एंड ब्लड वेसल्स हैं ठीक है उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है गम है जो ये चारों दिए हैं ये किसमें जुटे हैं मतलब किस किसकी सहायता से अभी तक हमारे दांत यहाँ पर टिके हैं तो गम की सहायता से ये जो आपके मशूर दिख रहा है ना यही क्या है गम है इसी से आपका डेंटाइल एनामेल और पल्प कैविटी इस, इसी इसी की सहायता से जुड़े हैं ठीक है थीके? तो ये समझ में आया मतलब टूथ की मतलब यही चार इस, चीज़ हैं आपके सिलेबस के हिसाब से है तो बहुत जब आप लोग जिसे बनेंगे डेंटिस्ट बनेंगे तो वहाँ पास आपको केवल इतना ही दांत के पढ़ने पढ़ने में बहुत ज़्यादा सिलेबस और बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा लेकिन अभी आपका बोर्ड है तो यहाँ पास आपको केवल छोटा सा टॉपिक दिया है एक हेडिंग दी है तो हमें ज़्यादा वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है जितना दिया है उतने से हम काम चलाएँगे उससे ज़्यादा ही मैं बताऊँगा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो ये पहले बताइए समझ में आया कि नहीं अगर पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा हार्ड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है तो बताएंगे दांत है दांत में किसका पार्ट बताएंगे तो एनामेल के बताएँगे अगर पूछेगा कि हड्डी के बराबर क्या है तो डेंटाइन है फिर पूछेगा जैसे पल्प कैबिटी में क्या क्या होते हैं तो ब्लड वेसल्स होते हैं और नव्स होती हैं ठीक है और, है, और ये किससे जुड़े होते हैं तो गम से जुड़े होते हैं इतना समझ में आया चलिए अब देखते हैं कि टूर से दिखे किस प्रकार होता है और हम इससे किस प्रकार बच सकते हैं कि हमारी जो ज़्यादा उम्र भी हो जाए तब भी हम इससे बचे रहें हमारी दांत जल्दी से ना जाए ठीक है तो चलिए उसको शुरू करते हैं चलिए अब देखते हैं डेंटल कैरेज क्या होता है इससे कैसे बचा जाए इसको भी हम इसी वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे ठीक है देखिए अभी मतलब अभी तो आप लोग दांत है सब कुछ है हर चीज़ खा ले रहे हैं लेकिन पहले एक वीडियो देखिए तब फिर देखते हैं लगी मतलब तो तो कितना ज्यादा मेहनत करके ये खा रहे हैं खाना उसी प्रकार अगर आप अपने दांत को ध्यान नहीं देंगे तो कुछ समय बाद आप लोग भी इसी प्रकार खाना खाएंगे और आप लोग नहीं ये जितने भी संसार है यहाँ पास अगर कोई भी ध्यान नहीं दिया ना तो सभी लोग इसी प्रकार खाना खाएंगे ये तो कुछ कम है इससे ज्यादा भी दिक्कत हो जाती है किसी किसी लोगों को ठीक है तो देखिए टूथ डिके या डेंटल कैरीज इसका दो नाम है दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हैं एक टूथ डिके है डेंटल कैरीज है दोनों को नाम सेम ही है ठीक है तो देखिए ये आपको एक साइड में इमेज दिख रही है इसमें दिखाया गया है कि डेंटल कैरेज कैसे होती है कितना समय इसमें लगता है ये एक दो महीने में नहीं होता है ये सालों में होता है अगर ज़्यादा जैसे नहीं करेंगे ब्रश नहीं करेंगे तो जल्दी हो सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तब भी ये जल्दी नहीं होता बहुत समय लगता है इसको टूट के होने में क्योंकि ये हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है तो समय तो लगेगा ही नहीं पहले क्या दिया है पहले फ्रेश टीथ दिया है उसके बाद क्या होता है जो हमारा डेंटाइल होता है एनामेल होता है एनामेल को सबसे पहले क्या करते हैं इसे डैमेज करता है उसके बाद फिर ये डेंटाइन में जाता है तब जाता है वैक्ल कैबिटी तब थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगता है मतलब ज़्यादा दर्द होने लगता है जब डेंटाइल में जाता है तो थोड़ा थोड़ा एकदम महसूस होने लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है दांत में लेकिन जब वैक्ल कैविटी में जाता है वैक्ल कैविटी नहीं पल्प कैविटी सॉरी पल्प कैविटी में जब जाता है तो क्यों इसमें क्यों दर्द होने लगता है क्योंकि इसमें ब्लड ब्लड वेसल्स है और नर्व्स है तो इसीलिए ये दर्द करने लगता है ठीक है तो ये हुआ डेंटल कैरेज के बारे में कि कैसे इसका प्रोसेस है अगर डायग्राम आपको बनाने का आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे आप डेंटल कैरेज का कहेगा तो इसी प्रकार बनाना है अगर केवल टूथ का के कहेगा तो आप केवल डेंटाइल एनामेल पल्प कैविटी और गम बता बना देना है और उसका नेमिंग कर देना है आपसे एक भी नंबर नहीं कटेगा ठीक है, है तो देखिए ये आखिर किस प्रकार होता है थोड़ा सा ये समझते हैं डायग्राम भी देख लें टूथ का भी देख लें डेंटल कैरेज का भी देख लें अब थोड़ा देखते हैं कि ये कैसे होता है तो देखिए जब आप खाना खाते हैं ना तो आपके खाने के साथ भी बैक्टीरिया भेजाते भी हैं और हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं तो ये क्या करते हैं जो आपने खाना खाया है ना तो इससे क्या करते हैं रिएक्शन कर लेते हैं क्या करते हैं रिएक्शन कर लेते हैं उसके बाद एसिड बना देते हैं वो फूड क्या करते हैं एसिड बना देते हैं और आपके दांत में क्या एक प्लग जम जाता है जो पीला पीला है ना अभी आप देखेंगे तो आपके दांत में भी होगा ज़्यादातर सभी लोग के अगर दांत में देखेंगे तो ज़्यादातर रहता है किसी किसी ऐसे होते हैं जो तो पहले से ध्यान रखते हैं तो उनका नहीं होता नहीं सभी ज़्यादातर ये पाया जाता है ठीक है जब ये पीला पीला जो जम जाता है तो यही उसके धीरे 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 आपको पहले एनामेल को ख़त्म करेगा फिर डेंटाइल को फिर जब जाके आपको दांत एकदम झड़ जाएगा एकदम ख़राब कर देगा और आप कुछ भी नहीं खा पाएंगे बस टुकरा टुघरा के अंदर लेंगे ठीक है तो ये क्या होता है तो सबसे पहले आपने खाना खाया मान लीजिए ग्लूकोज है ठीक है किससे रिएक्शन कराया बैक्टीरिया है बैक्टीरिया इसमें रिएक्शन करेंगे क्या फॉर्म करेंगे एसिड फार्म करेंगे एसिड फार्म करेंगे ठीक है एक बात और याद रखना 96 सिक्स परसेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कैरी करता है मतलब कंटेंट करता है अपना एनामेल ठीक है तो देखिए ग्लूकोज बैक्टीरिया इसमें रिएक्ट किया बनाया एसिड एसिड बनाया तो यहाँ पास आपके दांत में जो पीले पीले दिख जाते लग जाते हैं इसे प्लक कहते हैं ठीक है पी एल ए यू की प्लक शायद यही स्पेलिंग है क्या प्लक एक बार देख लेता हूँ यू ई है प्लक ठीक है तो ये है प्लक जो आपके पीले पीले लग जाते हैं दांत में उसे कहते हैं प्लक ठीक है तो ये होता है पहले आपके फूड खाए उसके बाद ये बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन करा एसिड बनाया उसके बाद आपके दांत झरना मतलब डैमेज होना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो ये था किसके बारे में डेंटल कैरेज के डेंटल कैरेज या टूथ डे के बारे में तो अब समझते हैं कि इससे किस प्रकार बचा जाए तो सबसे सब पहला तरीका है कि आप सुबह शाम ब्रश करें अगर ब्रश करेंगे तो आपके जो टूथ है यहाँ पास एसिडिक नहीं बन पाएंगे जो फूड है आपके पास दांत में नहीं फंस पाएंगे तो यहाँ पास एसिड फॉर्म नहीं होगा तो आपके दांत झरेंगे नहीं टूटेंगे नहीं गिरेंगे नहीं ठीक है पहला तरीका ये हो गया दूसरा तरीका अगर जैसे किसी दिन आप नहीं कर सकते मान लीजिए कहीं बाहर चले गए हैं उस बाहर जाने के कारण आप अपने दांत को सफ़र नहीं कर सकते तो खाना खाने के बाद आप अपने दांत में जो खाना फंसा है उसको क्या करेंगे निकाल देंगे ऐसे करके ऊपर नीचे जितना मतलब आपके फूड फंसे हैं दांत में उसको क्या करना है सफ़ा कर देना है पूरा हाथ डाल के ऊपर नीचे हर तरह से आपको वहाँ पास जितने भी फूड बचे हैं वहाँ को आपको क्या करना है निकाल देना है तब ये दो तरीके हैं अगर आपको ये दोनों अपनाएंगे तो आपके दांत नहीं झरेंगे ठीक है बारे में ठीक है तो और इसमें कुछ है नहीं आपके सिलेबस में केवल इतना ही दिया है क्या क्या आ सकता है आपको टूट का डायग्राम आ सकता है टूथ डीके का डायग्राम आ सकता है बस आपको उसका नेमिंग सही होना चाहिए एक नंबर भी आपसे नहीं कटेगा ठीक है? है आज हम मतलब पूरा न्यूट्रिशन का जितना पार्ट था पूरा ख़त्म कर दिया है थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे यार, यार थोड़े इतने कम समय में हमने इतना कवर ज़्यादा किया है न्यूट्रिशन हमने कवर कर लिया है अगर आप न्यूट्रिशन का एक्सरसाइज करना चाहते हैं मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए पढ़ाई मतलब चाहे आप जितनी कर लीजिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो मतलब मैं कितना पढ़ा दूँगा यार जितना भी पढ़ा दूँगा मैं मतलब इतना तो ऐसे नहीं कि बोर्ड लेवल पढ़ा दूंगा ठीक है तो मैं जितना पढ़ाऊँगा किताब से पढ़ाऊंगा मान लीजिए किताब का जितना दिया उतना पढ़ा दिया कुछ अपने से पढ़ा दूंगा लेकिन बोर्ड में जो बैठे हैं मतलब कितने टैलेंटेड है कैसे कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा कर जो मैंने पढ़ाया इसी क्वेश्चन घुमा देंगे तब वहाँ पास अगर प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे तो आप मतलब उसको गलत कर चले आएंगे ठीक है तो क्या करना है आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उसमें सौ एम सी के क्वेश्चन है बीस शॉर्ट आंसर है वेरी शॉर्ट आंसर है और लॉन्ग uh, आंसर है ये साठ क्वेश्चन एक सौ साठ क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिए ये केवल अभी बताया हूँ केवल न्यूट्रिशन में ये क्वेश्चन दिया हूँ आपको रेस्पिरेशन में दूंगा एक्सप्रेशन में भी दूंगा ट्रांसपिरेशन में दूंगा और जब आपका चैप्टर टेप, लाइव प्रोसेसर ख़त्म हो जाएगा वहाँ भी आपको वहाँ पर दूंगा क्वेश्चन वहाँ क्या क्या रहेंगे सौ तो एम रहेंगे उसके बाद आ, पचास शॉर्ट आंसर रहेंगे पचास वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे और पचास कितने होंगे लॉन्ग आंसर होंगे तो पचास डेढ़ सौ डेढ़ सौ दो ढाई सौ वहाँ पास क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो इतना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमसे एक भी सवाल बोर्ड में गलत नहीं होगा ठीक है तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए या थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा ठीक है तो आई होप आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा ज़्यादा कुछ था नहीं ठीक है एक दो बार और दोहरा लीजिए अपने से और सभी समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए हम कल से शुरू कर रहे हैं रेस्पिरेशन को उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक तो अपना ध्यान रखें और अच्छे तरीके से हमारे साथ पढ़ाई करते रहें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय जै भारत